सरस्वती स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जहांगीरकालीन चित्रकला के बारे में। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है, तो कौन था? अबुल हसन। कुछ विद्यार्थियों ने इनके उत्तर बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका, तो इसका उत्तर होगा, उसका उत्तर होगा अबुल हसन। आज हम बात करेंगे शाहजहांकालीन जो चित्रकला है उसके बारे में, तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें शाहजहांकालीन जो चित्रकला है, अब इसमें शाहजहां जैसे ही शासक बना, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जैसे ही शाहजहां शासक बना, तो शाहजहां क्योंकि अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक कट्टर था, अपने पूर्वजों की अपेक्षा क्या था, अधिक कट्टर था, अर्थात अपने धर्म को ही ये सर्वेसर्वा मानता था। अतः इसने क्या किया, हिंदू जो विषय जो चित्र थे उनमें कमी आने लगी, साथ ही क्योंकि ये कट्टर था, साथ ही इसने क्या किया, जो दरबारी चित्र थे वो अधिक बनाने प्रारंभ कर दिए। इनके समय वास्तुकला को अधिक महत्व मिला। देखो वास्तुकला क्या होती है, वास्तुकला में क्या होता है, जैसे किसी भवन का निर्माण कर देना, भौतिक रूप से निर्माण करना ही क्या कहलाता है, वास्तुकला कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तुकला, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्थापत्य कला। क्या कह सकते हैं, स्थापत्य कला। और इसका जो स्थापत्य कला के प्रति जो प्रेम था या इसकी रुचि थी, वो एक मुमताज, नाम सुना होगा आपने, मुमताज से विवाह के उपरांत इसकी रुचि उसके प्रति बढ़ गई थी। किसके प्रति, स्थापत्य कला के प्रति। हालांकि यह चित्रकारों का सम्मान करता था, क्या करता था, सम्मान भी करता था, लेकिन इसकी रुचि अधिक किसके प्रति थी, चित्रकला के प्रति न होकर स्थापत्य कला के प्रति अधिक रुचि थी। ठीक है, इसके अलावा इस समय की जो कला है वो नए अवतार में दिखाई देती है। किस अवतार में दिखाई देती है, नए अवतार में दिखाई देती है, अर्थात इस समय एक यथार्थवादी प्रभाव आ गया, छाया प्रकाश का प्रभाव। हालांकि जहांगीर के काल में भी आ गया था, लेकिन इसके काल में छाया प्रकाश का प्रभाव और भी बढ़ गया। छाया प्रकाश के प्रभाव में क्या हुआ, इसके समय जो चित्रकार थे वो तेलीय रंगों में, किस रंगों में, तेलीय रंगों में, यानी यूरोपीय जो तेल पद्धति है उसमें चित्रांकन अधिक करने लगे, तेल पद्धति में उसमें अधिक चित्रांकन करने लगे। और उनका जो कलाकार थे उनका तीसरे आयाम के प्रति प्रभाव बढ़ गया था। तीन आयाम होते हैं, जिसने आपने 3D पढ़ा होगा, 3D में तीन आयाम होते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा एक जो और था वो गहराई, गहराई जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया, गहराई। ये जो तीसरा जो आयाम था इसके प्रति उनकी कलाकारों की जो रुचि थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि यूरोपीय प्रभाव था और यूरोपीय पद्धति कौन सी अपनाई जाने लगी, तेल पद्धति। कौन सी अपनाई जाने लगी, तेल पद्धति। साथ ही जो दरबारी, इनकी जो कला थी वो दरबारी चित्रों में सिमट कर रहेगी। किन चित्रों में सिमट कर रहेगी, दरबारी कला में सिमट कर रहेगी। साथ ही नारी चित्र भी हालांकि बने, नारी चित्र अधिक बने, लेकिन हिंदू विषय चित्रों में क्या आई, कमी आई। साथ ही जो ईसाई धर्म से संबंधित जो चित्र थे वो अधिक बने। इसमें अगर देखें तो संतों से मुलाकात, प्रमुख चित्रों में अगर देखें तो संतों से मुलाकात, इसके अलावा दरबारी चित्र वो अधिक बने। जो शाह कलम था, शाह कलम देखो क्या होता है, शाह कलम में क्या होता है, सरेस कागज अंडे की जर्दी एवं फिटकरी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया गया, फिटकरी का प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग इसके साजा के जो समय था वो अधिक किया गया। इसके समय दरबारी चित्रों में वैभव के साथ अर्थात साज सज्जा के साथ चित्रित किया गया, जिसमें शासकों की जो विलासिता थी उसको अधिक चित्रित किया गया। तो श्या कलम आपके स्पष्ट हो गया, ये छोटा प्रश्न आ सकता है, श्या कलम क्या था, तो इसमें क्या हुआ, सरेस कागज अंडे की जर्दी इत्यादि का प्रयोग करके, सरेस का कागज का अंडे की जर्दी का प्रयोग किया गया एवं फिटकरी का प्रयोग करके जिन चित्रों का चित्रांकन किया गया उसे क्या कहा गया, शाह कलम कहा गया। क्या कहा गया, शाह कलम कहा गया। इसके अलावा इन चित्रों में देखो, इन जो शाह कलमों में काले रंग का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। किन रंगों का प्रयोग हुआ, काले रंग के चित्रों का प्रयोग हुआ। और काले रंग में आप एक बात याद रखना कि जो पुरुष और स्त्रियों के जो होंठ थे उनको भी काले रंग से चित्रित किया गया, लेकिन उनमें क्या किया गया, कुछ हल्के काले रंग का प्रयोग किया गया। किसका किया गया, कुछ हल्के काले रंग का प्रयोग किया गया। ये थे, इसके अलावा ईसाई धर्म से जो संबंधित जो चित्र थे वो अधिक बने। इन्हें इस प्रकार जो शाहजहां के काल में थी वो नवीनता आई, चित्रों में क्या आई, नवीनता आई।
इसके बाद हम पढ़ते हैं विषय और विशेषताएं। क्या पढ़ते हैं? विषय और विशेषताएं। साधारण के समय जो विषय और विशेषताएं, इससे पहले एक छोटा सा अपना टॉपिक रहेगा प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार में आपको याद रखना चित्ररमन, चित्ररमन। इसके अलावा चित्त, ये जो विचित्र नाम का एक जो प्रमुख इसका वो था होनहार, ये इनके काल के प्रमुख चित्रकार थे। विचित्र ये प्रमुख, इनके प्रमुख चित्रकार थे किसके समय? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। अब आते हैं इनकी विषय और विशेषताएं, क्योंकि इस पाठ से दो नंबर का प्रश्न भी पूछा जाना है। तो विषय और विशेषताओं में सबसे पहले देखिए रेखा। रेखा क्या है? अब देखो इस समय बारीक रेखाओं का प्रयोग अधिक हुआ। किन रेखाओं का प्रयोग हुआ? बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ, जबकि कुछ जगह कुछ चित्रों में जो रेखा थी वो दमहीन हो गई। क्या हो गई? दमहीन। तो आप देख सकते हैं दमहीन एवं बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ। किन रेखाओं का प्रयोग हुआ? बारीक रेखाओं का इनमें प्रयोग हुआ, जिसका उदाहरण तत्कालीन यानी शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय चित्रित एक था शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। उसमें आपके इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। किसमें? शाहनामा में इसके उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यथार्थवादी चित्रण, आपने पढ़ा कि तैलचित्र का यानी यूरोपीय पद्धति तैलचित्रण जो पद्धति थी उसका प्रयोग अधिक हुआ। अतः जो यथार्थवादी प्रभाव अर्थात कलाकारों का तीसरे आयाम के प्रति जो प्रभाव था वो अधिक बढ़ गया। तीसरा आयाम दोबारा देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है 3D अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई का प्रयोग किया जाने लगा। ये जो पुराने कार्टून थे आपने देखे होंगे, अगर वो यूं होते थे तो ऐसे होते थे तो उनकी आंख इधर निकल आती थी। वो क्या था? केवल दो, लंबाई गुना चौड़ाई यानी व्यायाम प्रभाव था। अब क्या गहराई का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें छाया प्रकाश का प्रयोग उसमें दिखाई देने लगा। तो अगला ये यथार्थवादी प्रभाव। इसके अलावा हम कह सकते हैं यथार्थवादी प्रभाव में एक चीज और, कि जो वस्तु जैसी है वैसे की वैसी चित्रित की जाए, वह भी क्या होता है? यथार्थवादी प्रभाव कहलाता है। आइए नंबर तीन जो है दरबारी चित्र। अब देखो दरबारी चित्र में क्या होता है, या तो आप देख लीजिए दरबार अर्थात दरबार से संबंधित चित्र, सम्राट का चित्र, कोई संगोष्ठी हो दरबार में कोई संगोष्ठी हो उनका चित्रण, या फिर ऐसे चित्रों का चित्रांकन किया गया जो उनके पूर्वजों द्वारा जो सम्मानित थे उनका चित्रांकन किया गया, उन्हें हम क्या कहेंगे? दरबारी चित्र। एक बात और याद रखिएगा, शाहजहां के जो समय जो चित्र बने वो दरबारी चित्रण में बंद कर रह गए, अर्थात इसके समय जो चित्रकला थी वो बंदी हुई थी। क्या थी? बंदी हुई थी। तो इनके समय, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था मुगल चित्रकला के प्रारंभ में उनके उद्भव विकास में, कि जो मुगल चित्रकला थी वो शासकों के साथ परिवर्तित होती गई। अगला जो है वो है पुरुष वेशभूषा। कौन सा है? पुरुष वेशभूषा। पुरुष वेशभूषा में क्या हुआ? लंबा जामा कमर पर जो पटका है उनका चित्रांकन किया गया, तंग पायजामा का इसमें भी प्रयोग किया गया। इसके अलावा बैल बूटेदार अर्थात बैल बूटेदार दुपट्टे का भी प्रयोग इसमें हुआ, पुरुष आकृति में बैल बूटेदार। ये नया प्रयोग है बैल बूटेदार, ठीक है। अगला है स्त्री आकृति। स्त्री आकृति में आपको याद रखना पारदर्शी ओढ़नी का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? पारदर्शी ओढ़नी का प्रयोग किया गया। तंग पायजामा का इसमें नवीन प्रयोग है, नतंग पायजामा का इसमें प्रयोग किया गया। कौन सी में? स्त्री आकृति में। कौन से में किया गया? स्त्री आकृति में। अगला है पशु पक्षी चित्रणों में। अब इसके समय शाहजहां के समय जो हाथियों के आकार में था वो बदलाव आया पशु पक्षियों में। पशुओं में याद रखना जो शाहजहां के समय जो हाथी थे उनके आकार में बदलाव आया, और इनके समय हाथियों को अपेक्षाकृत चौड़ा दर्शाया जाने लगा। इनके समय? शाहजहां के समय। इससे अगला है रंग। रंग में आप इसमें याद रखिएगा, इसमें स्वर्ण रंगों के लेप से ये स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया, अर्थात चमकदार रंगों का भी इसमें प्रयोग हुआ। एक रंग आपने पहले देखा था काले रंग का प्रयोग, जिसमें होठों को हल्के काले रंग से इसमें प्रयोग किया गया। अगला अपना है हाशिया। अब देखो इसके समय, इनके समय हाशिया किसे कहते हैं? फोटो की जो फ्रेम होती है, फोटो के चारों ओर जो फ्रेम होती है उसे हम क्या कहेंगे? हाशिए। तो इनके समय शाहजहां के समय चौड़े हाशियों का अपेक्षाकृत प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? चौड़े हाशिए का प्रयोग किया गया। ये अपनी प्रमुख इसकी विशेषताएं होगी। अब इसमें देखो विशेषताओं में एक प्रश्न और आता है कि उसके समय उनके समय जो पुस्तकों का जो बाहरी आवरण था, पुस्तकों का जो बाहरी आवरण था जिसे हम क्या कहते थे? बयाज। क्या कहते थे? बयाज। इनको सुंदर ढंग से किस ढंग से? सुंदर ढंग से चित्रित किया जाता था। प्रश्न पूछा जा सकता है बयाज क्या है? तो बयाज क्या है? शाहजहां के समय
जो पुस्तकों का आवरण था उसे सुंदरता से चित्रित किया गया। क्या किया गया? सुंदरता से चित्रित किया गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, बयाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बयाज कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया अपना शाहजहां। शाहजहां के बाद में आती है मुगल कला का पतन। कौन सा आता है? मुगल कला का पतन। अब शाहजहां की जैसे ही मृत्यु हुई, यहां यूं कह सकते हैं हम इतिहास की अगर बात करें तो, शाहजहां के रहते ही जो औरंगजेब था उसने अपने पिता के विरुद्ध कई प्रकार के युद्ध लड़े, जिनमें हालांकि कईयों में उसकी हार भी हुई, लेकिन फिर भी उनके अपने पिता की मृत्यु के बाद में वह गद्दी पर बैठा। कौन? औरंगजेब। गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने क्या किया? सबसे पहले मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि औरंगजेब क्योंकि चित्रकला को अपने धर्म के विरुद्ध मानता था। क्या मानता था? धर्म के विरुद्ध मानता था। अतः उसने अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए जो भित्ति चित्र थे उनको क्या किया? सफेदी पुतवा दी। उन पर क्या कर दी? सफेदी पुतवा दी। इसके अलावा उसने सभी जो चित्रकार थे उनको चित्रकला छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब चित्रकार क्या करने लगे? या तो इधर उधर जाने लगे, या तो राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बस गए, या फिर अपने काम को छोड़कर क्या किया उन्होंने, अन्यत्र काम में विलीन हो गए। इससे मुगल चित्रकला का पतन हो गया। अब शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में हालांकि खूब से शासक हुए लेकिन वो दूरदर्शी थे। इसके अलावा वो विलासी थे, या यूं कहें कि उनमें दूरदर्शिता का भाव था, विलासी थे। विलासी जीवन के रहते हुए उसने मुगल चित्र से लिखा, कोई उसमें प्रसार प्रचार प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और इस प्रकार से मुगल चित्रकला का क्या हो गया? पतन हो गया। तो आज हमने शाहजहां के बारे में, शाहजहांकालीन जो चित्रकला थी उसके बारे में पढ़ा, और औरंगजेब या यूं कहें कि चित्रकला का पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो इनके मुगल कला के जो प्रमुख चित्र हैं, मुगल कालीन जो चित्रकला है उनके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का जो मेरा प्रश्न है वो क्या रहेगा, देखिए कि स्याह कलम क्या है, स्याह कलम क्या है, या आप ये कहें कि स्याह कलम का तो मैं बता देता हूं एक बार, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। स्याह कलम का तो आपको पता है, सिरेस, अंडे की जर्दी, फिटकरी, कागज, इनका प्रयोग करके, इनका प्रयोग किया गया, जिसमें किया गया उसे क्या कहा गया? स्याह कलम क्या कहा गया? क्या कहा गया? स्याह कलम। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है वो क्या है? पुस्तकों के बाहरी आवरण को शाहजहांकालीन चित्रकला में क्या कहा जाता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देख दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।